में आएंगे तो देखिए ये ज़ेरोधा का मैंने लॉगिन कर लिया है पहले ही, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखेगा। आपको चार्ट बड़ा करना है तो यहाँ से आप जा सकते हो, और मैंने इसमें ज़ेरोधा में क्या क्या चेंजेस हुए हैं नए वगैरह मैंने सब कुछ यहाँ पे बता दिया है फ्रेंड्स। और मैं आपको थोड़ा सा सीक्रेट मैंने रखना चाहता था, लेकिन वो ऑलरेडी देखो यहाँ पे मैंने इंडिकेटर लगा के रखा है, कितना आसानी से प्रॉफिट मिल रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो ये बॉक्स टूटा, ऊपर इतना बड़ा प्रॉफिट, ये बॉक्स टूटा तो ये नीचे। अभी हमें यहाँ पे अगर आर एस आई और प्योट लगाओगे तो बहुत अच्छा, तो ये पूरा यहाँ पे आपको रेंज बता देता है और आपको क्या करना है वो सब कुछ यहाँ पे बता देता है, बराबर। ये देखिए ये इंडिकेटर से हम बहुत सारे ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये मैंने 15 मिनट का चार्ट, आपको क्या करना है, रिक्वायरमेंट क्या क्या है, ज़ेरोधा में अकाउंट चाहिए, अगर अकाउंट चाहिए तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आपको चार्ट कमांडो फैमिली को अगर हेल्प करना है तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो बिल्कुल किसी की भी लिंक से ओपन करिए, कोई नो डाउट। ये सब कुछ आपको फ्री मिलता रहेगा यूट्यूब पे। तो ये देखिए ये यहाँ पे बराबर ये बॉक्स बना था, और इसके बाद ये देखिए मार्केट कितना नीचे गिरा है, इस तरीके से प्रॉफिट आप कमा सकते हो। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर क्रॉस हेयर में ले लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ड्राइंग टूल चाहिए तो इस तरीके से भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैं अभी ड्राइंग टूल नहीं लेता हूँ, क्रॉस हेयर ही चाहिए मुझे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे नीचे क्रॉस करने के बाद कितना मार्केट नीचे आया है, लगभग एचडीएफसी बैंक में 934 से लेकर अगर ये 875 तक आता है तो बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, इसके ब्रेक पे स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर इस कैंडल के हाई पे या स्विंग हाई पे, अगर आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है और छोड़ देना है फ्रेंड्स। तो आप 1:2 का रेशो ले सकते हो जितना आपका स्टॉप लॉस है, समझो यहाँ पे हमने 933 पे हमने सेल किया, हमारा स्टॉप लॉस हो गया 945 का, और हमारा 945 और 930 यानी लगभग 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पे हम 933 से लेकर यहाँ पे देखिए 889 यानी लगभग वो 30 पॉइंट और ये 10 यानी 43 पॉइंट्स, लेकिन हमारा अगर टारगेट 12 का स्टॉप लॉस है तो 24 का टारगेट इधर ही अचीव हो जाता था। तो बिल्कुल इसके बीटीएसटी के लिए भी आप यूज कर सकते हो, और इस तरीके से यहाँ पे देखिए हर एक बॉक्स ब्रेक होने पे आपको यहाँ पे मिलेगा, इसको कंफर्मेशन भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बॉक्स के भी गलत नहीं होते, तो बिल्कुल इसके कंफर्मेशन के लिए आप इसका छोटे टाइम फ्रेम में जा सकते हो, और यहाँ पे ये देखिए छोटे टाइम फ्रेम में जाने के बाद आपको और अच्छे तरीके से ट्रेड मिलेगा, आपको समझ में आएगा किस तरीके से इसमें ट्रेड करना है फ्रेंड्स। तो मैं आपकी उत्सुकता ज्यादा ना तानते हुए मैं आपको बता देता हूँ, ये अगर मैं पहले इस आपको स्टडी में ये कैसे प्लॉट करना है, तो यहाँ पे स्टडीज में जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है डार्वस बॉक्स, ठीक है, और ये डार्वस बॉक्स को क्लिक करना है आपको, और इस तरीके से देखिए यहाँ पे कुछ भी डिफॉल्ट सेटिंग रहने दीजिए, कुछ भी यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल ये हमने डन कर दिया, और यहाँ पे इंडिकेटर हमारा पहले ही प्लॉट है पहले से ही, ठीक है। तो अभी ये बहुत सारे लोग पूछते हैं कि किस तरीके से इसको ट्रेडिंग करना पड़ेगा, तो अभी ज़ेरोधा में जो आपकी मांग थी वो ज़ेरोधा में मैंने पूरी कर दी है, और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये पहला बॉक्स ब्रेक होने के बाद ये ऊपर गया, और यहाँ पे अगर हम 877 हम बाय कर लेते थे, स्टॉप लॉस हमारा रहता था 872 का, यानी बहुत ही 5 पॉइंट का सिर्फ स्टॉप लॉस है, और हमारा टारगेट देखिए 877 से लेकर ये ऊपर ही जा रहा है, फिर नीचे आया ही नहीं, बराबर। लेकिन हम डबल का भी टारगेट पकड़ लेते तो 10 पॉइंट 20 पॉइंट यहाँ पे टारगेट कितना चाहे अचीव कर सकते थे आप, आपके हिसाब से वहाँ पे टारगेट लगा लीजिए, यानी 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 10 पॉइंट का टारगेट ले लीजिए, खत्म, इंट्राडे कर रहे होंगे तो। अगर पोजिशनल कर रहे होंगे तो फिर 15 मिनट में जाइए और उस बॉक्स के हिसाब से आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से अभी लोग पूछेंगे कि ये बैंक निफ्टी पे चलता है क्या, निफ्टी पे चलता है क्या, क्रूड ऑयल पे चलता है क्या, चार्ट है जिसका जिसका है उस पर ये चलता रहेगा, लेकिन आपको आपका नॉलेज भी यूज करना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको ट्राई भी करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे हम, देखिए यहाँ पे भी शॉर्ट का सेल बना था, यहाँ पे भी बॉक्स, हर बार ये मार्केट में जो हर एंट्री हमें बॉक्स में मिलेगा ऐसा नहीं है, कभी कभी नहीं भी बनेगा, लेकिन ये लाइव मार्केट में बॉक्स बनता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो आप अगर आपको ज्यादा ट्रेडिंग नहीं जमता है, आपको पैटर्न नहीं आते हैं, प्राइस एक्शन नहीं समझता है, या जो भी चीजें हैं, आप अगर बिजनेस हो तो ये आपके लिए वरदान है फ्रेंड्स। ये बॉक्स टूटते ही आप यहाँ पे सेल करो, नीचे अगर जिस साइड में बॉक्स टूटता है उस साइड के आप ट्रेड प्लान करो और उस हिसाब से प्लान करो। यहाँ पे इस साइड को टूटा 938 को टूटा है, हमने स्टॉप लॉस लगा लिया 956 का, और टारगेट यहाँ पे हमने उसका 1:2 लिया। तो इस तरीके से लगा सकते हैं, और कुछ आपको अगर चेक करना है बैंक निफ्टी पे भी, वहां पे जाके भी आप चेक कर सकते हो फ्रेंड्स। मैं एक दो उदाहरण लेता हूँ, बाकी आप आपके लिए होमवर्क है, अभी मैं दूसरा ईमेल दे रहा हूँ, चार्ट कमांडो homework@redgmail.com, यहाँ पे आपको आपका होमवर्क भेजना है मुझे। ये देखिए कितना अच्छा बॉक्स बना था, आज का भी ट्रेडिंग देखिए यहाँ पे, ये बॉक्स जैसे ही ब्रेक हुआ है यहाँ पे हमने सेल किया, यानी हमने यहाँ पे 9870 पे सेल किया, और ऊपर हमारा स्टॉप लॉस है जो 20200 का स्टॉप लॉस है, बराबर। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे 200 यानी बड़ा अगर स्टॉप लॉस है आपको अगर लग रहा है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि 5 मिनट में जा सकते हो और नीचे के टाइम फ्रेम में, ये देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा हो गया, ये यहाँ पे ब्रेक हुआ 19965 पे, यहाँ पे हमने शॉर्ट किया, और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो आ रहा है वो 20078 का है, बहुत छोटा स्टॉप लॉस आ रहा है 100 पॉइंट से भी कम का, और यहाँ पे ब्रेक होने के बाद 19965 के नीचे ये
19742 यानी 1:2 से भी ज्यादा हमें यहाँ पे रिस्क रिवार्ड मिला है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, आप 5 मिनट में करो या 15 मिनट में कंफर्मेशन ले सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था, ये देखिए ये बॉक्स यहाँ पे टूटा था 17850 पे, तो ये देखिए बूम कितना बड़ा टारगेट अचीव हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरीके से हर बॉक्स पे आप एंट्री ले सकते हो, लेकिन आप पूरा सोच समझ कर एंट्री लीजिएगा। तो यहाँ पे एक ही चीज है कि ये आपको ड्रॉ करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, ये सब कुछ ऑटो आ जाता है। ये बॉक्स टूटने पे ऊपर एंट्री लिया आपने, स्टॉप लॉस यहाँ पे 70 से 80 पॉइंट का आता है और टारगेट यहाँ पे 100 से 150 पॉइंट का आराम से मिल जाता है। देखिए अभी यहाँ पे सच में तो यहाँ पे कितना अच्छा एंट्री है, लेकिन बॉक्स नहीं बना है तो ऐसा कुछ नहीं, एंट्री छूट भी सकती है। लेकिन यहाँ पे देखिए, इससे पहले एक बॉक्स बना था, तो ये यहाँ पे आप ट्रेड शॉर्ट में हो तो आपको आपको मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सिखाया है बहुत सारे वीडियो में। कमांडो जाकर स्ट्रेटेजी में जाके देखिए कि वहाँ पे मैंने कैसे सिखाया, उसकी लिंक वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दूंगा या मैं लास्ट में वीडियो, ये वीडियो छोड़ के मत जाइए देखने को, ये पूरा समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमने 19500 के नीचे यहाँ पे शॉर्ट कर देते थे और हमारा स्टॉप लॉस जो रहता था इसका स्विंग हाई का 19850 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रहता था। और देखिए कितना बड़ा मुंह आया है, लगभग मार्केट 17500 तक गिरा है, उससे भी नीचे गिरा था, लेकिन हमें इतना प्रॉफिट मिला है। इसको हम टाइम पर आपको थोड़ा सा लंबा होल्ड करना है या दिन भर पोजीशन रखनी है तो आप इसको 15 मिनट में भी यूज कर सकते हो, लेकिन 5 और 15 दोनों टाइम फ्रेम यूज करिए। अगर किसी को लगता है कि मुझे एग्रेसिव एंट्री चाहिए तो आप डायरेक्टली 3 मिनट में भी जा सकते हो फ्रेंड्स। और यहाँ पे 3 मिनट में जाने के बाद आपको यहाँ पे एग्रेसिव एंट्रीज मिलेंगी। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे तो अभी नीचे होता हुआ था कुछ, ये एक्यूरेसी इसकी 100% नहीं है, लेकिन 80% से भी ज्यादा एक्यूरेसी है। यहाँ से बड़ा मुंह आया था लेकिन इसने नहीं दिया था। अभी देखिए ये ब्रेक हुआ बॉक्स 825 का, कुछ फॉल्स सिग्नल भी होते हैं तो यहाँ पे 1:2 का रेशो आपको मिल चुका है। तो थोड़ा सा आपको दूसरे कुछ आपके सिस्टम के साथ इसको मैच करना पड़ेगा। ये देखिए ये इतना कितना अच्छा सिग्नल यहाँ पे दिया, जैसे बॉक्स टूटा इसको नीचे हुआ। इसको RSI यूज कर सकते हैं और पीओ भी ऐड करके इसको आराम से यूज कर सकते हैं। वो कैसे करना है अगर आपको चाहिए वीडियो तो डारोस बॉक्स का, अगर आपको स्ट्रेटेजी अलग से चाहिए तो मुझे कमेंट में कमेंट करिए कि हमें ये अदर इंडिकेटर के साथ कंफर्मेशन डारोस बॉक्स का Part 2 बना दो, तो मैं वो भी आपके लिए बना दूंगा। और बिल्कुल बने रहिए चैनल के साथ, ऐसे ही ज्ञानवर्धक और बहुत सारे इंटरनेशनल नॉलेज के वीडियो आते रहेंगे और लाइफ टाइम फ्री रहेंगे फ्रेंड्स। डोंट वरी एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हंसते रहिए, हंसाते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय नाउ।